सॉल्व करते हैं, टेंशन मत लेना। हाथी, हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। अच्छा देखो, किसी गांव में एक हाथी आ जाए, मैं उस दिन भी सुना रहा था किसी को, तो गांव भर के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। एक सज्जन मुझसे बोले कि गांव और शहर में क्या फर्क है, तो मैंने बोला गांव में हाथी को भी लोग गणेश जी कहते हैं और शहर में गणेश जी को भी हाथी कहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा है जिसके आगे इतने हाथ जोड़े जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं किसी और के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कह रहा ना, जितने हाथ जोड़े वाले इसके सामने खड़े रहते हैं उतना किसी और के नहीं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे रहते हैं किसी और के नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत। और मुझे आज तक साला ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आती, उनको हमारी नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम पूछते कि भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, और कुत्ते जवाब देते तो क्या देते मैं ये भी बता दूं आज आपको। कुत्ते बोलते हैं हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों हो? तो फिर भौंकते क्यों? बोले एक ही बात बोलते, हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए जो लोग हैं ना वो सहन नहीं हो रहे सर। और सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा होगी। स्तुति करने वाले हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। तो घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर लोग आपको ताना मारें, टेंशन दें, आप अपना मस्त आगे आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या है? अच्छा, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन आप देखो हाथी को, देखो उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है यार, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता नहीं है।